कोरोना की गंभीरता को देखते हुए बांका भागलपुर सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है, जिसमें कुल्हड़िया एवं चिरैया के समीप बैरियर लगा दिया गया है। शुक्रवार को डीएम सुहर्ष भगत, एसपी अरविंद गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी कुल्हड़िया बैरियर पर पहुंचे और बैरियर पर मौजूद बीडीओ सरस्वती कुमारी, सीओ सुनील कुमार शाह, मनरेगा पीओ दीपक कुमार शर्मा, बीएओ सतीश चंद्रा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसमें भागलपुर की ओर से आने जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी के साथ सभी गाड़ी एवं लोगों का लॉग बुक में संधारण करने का निर्देश दिया। इसमें भी वैसे वाहन एवं लोगों को आने जाने की स्वीकृति दी जाएगी जो आवश्यक सेवा के लिए जरूरी है या फिर जिन लोगों को पदाधिकारियों द्वारा पास निर्गत किया गया है। डीएम ने बीडीओ से बैरियर पर अस्थायी कैंप बनाने का निर्देश दिया ताकि बैरियर पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस बल को सहूलियत हो। उन्होंने किसी भी रूप में अनावश्यक रूप से बाइक एवं अन्य वाहनों के आवाजाही पर रोक लगाने को कहा। इस अवसर पर एसडीपीओ डीसी श्रीवास्तव, थानाध्यक्ष कुमार सन्नी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बिहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने बांका परिसदन में डीएम सुहर्ष भगत व एसपी अरविंद कुमार गुप्ता के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान लॉकडाउन में चल रहे खाद्यान्न वितरण, लाभुकों को मिलने वाली अनुदान राशि, नए राशन कार्ड के संदर्भ, टीएचआर वितरण की अनुदान राशि सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। मंत्री रामनारायण मंडल ने बताया कि जिले के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एवं राज्य सरकार द्वारा मिलने वाले अप्रैल माह के अनाजों का उठाव हो गया है। वहीं वितरण भी तेजी से प्रारंभ हो गया है। जिले में अनाज का वितरण तकरीबन 50% हो चुका है। 2-3 दिन में सभी लाभुकों को अनाज मिल जाएगा। जिले में पूर्व से नए राशन कार्ड के लिए दिए गए आवेदन में 9000 की स्वीकृति मिली है। 50% से ज्यादा ये 6 प्रखंडों में तो 100% और बाकी 6 प्रखंडों में 55% तक हुआ है। बांटने का काम अभी तक 60% से ज़्यादा ये काम पूरा हो चुका है और लगातार जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये अनाज के उठाव करवाना, बंटवारा करवाना, आम जनों तक स्वसमय मिले इसकी चिंता लगातार कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की सूचना, शिकायत अगर आ रही है तो तुरंत उसका शिकायत का निष्पादन किया जाना। अगर कोई ज़्यादा जागृति कर रहा है कोई भी डीलर की ओर, उस पर एक्शन भी हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान लाभुकों को खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को 12 हाट अंचल के सीओ शरद मंडल और बीसीओ रणधीर कुमार सिंह जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण करने पंजवारा पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने पंजवारा के कई राशन डीलर के दुकानों में जाकर उनके स्टाफ, वितरण की सूची आदि की जाँच की और निर्धारित समय में लोगों को बारी बारी से अनाज वितरण का निर्देश दिया। इसके साथ राशन लेने वाले लोगों के बीच शारीरिक दूरी रखने का निर्देश दिया। साथ ही राशन वितरण के क्रम में डीलर और उपभोक्ताओं को साबुन से हाथ धोने का निर्देश दिया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है, तो वही दूसरी तरफ लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए शराब माफियाओं की सक्रियता इन दोनों पूरे क्षेत्र में पूरी तरह से बढ़ गई है। शराब माफिया पूरी तरह से सक्रिय होकर शराब बिक्री में लग गए हैं। उन्हें ना तो पुलिस का खौफ है और न ही किसी अधिकारियों का खौफ। सूत्रों की माने तो इन शराब माफियाओं का ठिकाना शहर के व्यस्तम इलाके गली चौक पर है। यहाँ से माफिया फोन के द्वारा शराब बुक करते हुए डोर टू डोर जाकर शराब की डिलीवरी करते हैं। माफिया सुबह के 9 बजे गोला चौक पहुँच जाते हैं और रात्रि 9 बजे तक गोला चौक के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। हालांकि अमरपुर थानाध्यक्ष अमर कुमार सन्नी को सूचना मिलने पर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद माफिया पुनः अपने धंधे में संलिप्त हो जाते हैं। हाल में ही अमरपुर थानाध्यक्ष के द्वारा बस स्टैंड पर स्थित लेथ मशीन के दुकान पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया था। मामले में दुकान को सील भी किया गया था, लेकिन शराब विक्रेता पुलिस गिरफ्त से बाहर है। थानाध्यक्ष ने बताया कि फरार शराब विक्रेता की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पूरे क्षेत्र में नजर बनाते हुए माफियाओं की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। एक भी माफिया बक्से नहीं जाएंगे। एक तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है तो दूसरी तरफ बांका के रजौन प्रखंड में बालू की अवैध खनन जारी है। पिछले 25 दिनों से लॉकडाउन के चलते लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। जरूरी होने पर ही कोई घर से निकलता है तो उसको भी पुलिस की नाराजगी का शिकार होना पड़ता है। यहां तक कि लॉकडाउन में कई लोगों के बाइक व वाहन का चलान भी काटा जा रहा है, परंतु रजौन प्रखंड में बालू माफिया खुलेआम अवैध बालू का उठाव कर रहे हैं। इन पर लॉकडाउन का असर पूरी तरह बेअसर है और इस पर रजौन पुलिस का कोई ध्यान नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? शनिवार को अहले सुबह रजौन प्रखंड अंतर्गत
अंतर्गत बालू का परिचालन बबुरा प्रशाखा नहर पर हो रहा था। बालू लदी ट्रैक्टर का परिचालन झिकटा दौना बाराटी कर परघरी मालती होते हुए जाने की जानकारी है। रजौन प्रखंड अंतर्गत धरल्ले से बालू उत्खनन व ढुलाई से लोग अचंभित है, परंतु पुलिसिया कार्रवाई तो दूर, इन ट्रैक्टर को पुलिस रोकती भी नहीं है। इससे लगता है कि पुलिस व प्रशासन ने इन बालू कारोबारियों को परमिशन दे रखी है, इसलिए लॉकडाउन में बिना रोक टोक के आसानी से निकल रहे हैं। लोगों में चर्चा है कि बालू कारोबारी प्रशासन व पुलिस की कार्रवाई के दायरे में नहीं आते, इसलिए इनको नहीं टोकते, जबकि आम आदमी कहीं भी दिख गया तो उनकी खैर नहीं। खबर है कि रजौन प्रखंड के डुमरिया घाट से बालू उठा दिन के उजाले में की जा रही है। इसी संदर्भ में रजौन सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि लॉकडाउन में बालू उठाव नहीं होनी चाहिए। मुझे जानकारी नहीं है, इसकी जांच की जाएगी। अभी पूरे विश्व में कोरोना महामारी अपना पांव पसार चुकी है, लेकिन इससे बचाव एवं उनके उपायों को लेकर बांका जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा जिले के विभिन्न पंचायतों के गांव गलियों में पहुंचकर जरूरतमंद लोगों के बीच कोई राशन का वितरण कर रहा है तो कोई मास्क एवं डिटॉल साबुन का वितरण लोगों के बीच कर रहा है। इसी कड़ी में आज बांका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह बाराहाट प्रखंड के बबनगामा पंचायत के युवा मुखिया दिगंबर मंडल द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच हरी सब्जी का वितरण किया गया। इस बारे में मुखिया ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जब से कोरोना महामारी फैली है तब से बांका सहित बाराहाट व पंजवारा के अलग अलग हिस्से में जाकर गांव गलियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा मास्क डिटॉल साबुन वितरण किया जा रहा है। मुखिया ने कहा कि समाज के हित में कार्य करना ही सामाजिक कार्य कहलाता है, आगे भी अवसर मिला तो यह सामाजिक कार्य निरंतर जारी रहेगा। उसके बाद जरूरत के अनुसार जरूरतमंदों को उनकी जरूरत को पूरा किए, जैसे जिनके पास साबुन नहीं है साबुन दिए, जिनके पास मास्क नहीं है, जिसके पास सैनिटाइजर नहीं है, वो सारे सामग्री का व्यवस्था करके हम जरूरतमंद तक पहुंचाए, अपने पूरे पंचायत को ब्लीचिंग करवाए, सैनिटाइज करवाए, अपने पंचायत के साथ साथ बाराहाट प्रखंड एवं बांका जिला के कई गांवों को सैनिटाइज करवा रहे हैं। और ये मशीन जो आप देख रहे हैं अभी कंटिन्यू मेरा सैनिटाइज का काम चल रहा है। सोडियम हेपोक्लोराइड जो कि WHO से मान्यता प्राप्त क्रीम केमिकल है, उसी केमिकल के द्वारा हर जगह हम सैनिटाइज करवा रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर जो बाहर में मेरे गांव के या मेरे पंचायत के या मेरे प्रखंड के या जिला के फंसे हुए हैं, उन मजदूरों को डायरेक्ट जिनके पास, ऐसे तो मुख्यमंत्री ₹1,000 सारे लोगों के खाते में पैसा भेज रही है, लेकिन जिनके पास खाता नहीं है, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जो उतना जानकार नहीं है, वैसे लोगों को मैं डायरेक्ट वहां अनाज उपलब्ध कराता हूं, दुकान पे भेजता हूं, दुकान पे राशन दिलाता हूं और दुकानदार के पेटीएम के द्वारा दुकानदार को पैसा पेमेंट करता हूं। एक और जहां सारी दुनिया के लोग कोरोना जैसी महामारी से बचने और बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, देश एवं प्रदेश के निवासी अपने अपने घरों में बंद हैं, लेकिन जंगल से हरे भरे वृक्षों की अवैध कटाई करने वालों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। पहले सुबह से देर शाम तक जंगल के विभिन्न मार्गों में हरे भरे वृक्षों को काटते एवं बड़े बड़े गट्ठर लेकर जाते देखे जा सकते हैं। इस संबंध में भीतिया बीट क्षेत्र के मयूर नाचन गाँव के पंचलाल यादव, जर्मन यादव, मुनेश्वर यादव, हरिनंदन यादव, राकेश यादव, सुखदेव यादव, वकील यादव एवं अन्य ग्रामीणों ने जंगल की अवैध कटाई रोकने को लेकर विभाग के वरीय पदाधिकारियों को एक आवेदन भी दिया है। आवेदन के अनुसार मयूर नाचन, धावा, टेंगपांजा एवं अन्य गांवों के आसपास जंगल की प्रति जमीन पर 10 वर्षों पूर्व लाखों की राशि खर्च कर जंगली पौधे लगाए गए थे, जो आज बड़े बड़े वृक्ष बन गए हैं। उन्हीं में से आधे से अधिक वृक्ष काट डाले गए हैं, दिन रात उसकी कटाई हो रही है। विभाग के पदाधिकारियों को सूचना देने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने से अवैध कटाई करने वाले निरंकुश हो गए हैं। इस संबंध में वनपाल ने बताया कि वे लगातार सक्रिय हैं, जानकारी मिलते ही कार्रवाई करते हैं। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र की लक्ष्मीपुर गांव के पूरब मस्कन बहियार में करंट लगने से एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक की पहचान लक्ष्मीपुर गांव निवासी सच्चिदानंद मंडल के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि सच्चिदानंद मंडल बहियार में बिजली मोटर के दौरान मकई का पटवन कर रहा था, इसी दौरान विद्युत प्रभावित तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बहियार में मौजूद अन्य किसानों ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दिया। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचकर उसे रेफरल अस्पताल ले आए, जहां डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी ने अधेड़ को देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं अधेड़ की मौत के बाद इनके परिजनों का रो रोकर बुरा हाल देखा गया। बांका जिला के पंजवारा थाना क्षेत्र के लखपुरा गांव में गुरुवार को खलियान में रखे फसल को मवेशी से खिला देने के कारण दो पक्षों में हुए हिंसक झड़प मामले में पंजवारा थाने में दर्ज कराए गए प्राथमिकी के आधार पर पंजवारा थानाध्यक्ष मुरलीधर शाह ने कार्रवाई करते हुए मारपीट के दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी जीवन यादव और विकास यादव को पुलिस ने बांका जेल भेज दिया।
कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लगाए गए लॉकडाउन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आम लोगों से गरीबों की भोजन की व्यवस्था को पूरा करने के लिए किए गए आग्रह का असर युवाओं पर देखने को मिल रहा है और कई युवा सामूहिक प्रयास से क्षेत्र में राशन सामग्री का वितरण जरूरतमंद लोगों के बीच कर रहे हैं। इसी क्रम में बाराहट प्रखंड के पंजवारा में शनिवार को निजी अवकाश में घर पर रह रहे बीएसएफ जवान नन्हे सिंह ने स्थानीय युवाओं के सहयोग से क्षेत्र के कई जरूरतमंद लोगों के बीच राशन सामग्री का वितरण किया। मौके पर मुखिया भोला पासवान, अतुल भगत, अभिषेक भगत, अमित भगत, बप्पी कुमार, मनोज कुमार सी पूजन सहित कई अन्य मौजूद रहे। विश्वव्यापी कोरोना महामारी को देखते हुए बांका जिला के विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रखंड के विभिन्न गाँव गलियों में पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए गरीब मजदूरों परिवारों के बीच राशन, मास्क, डिटॉल, साबुन का वितरण कर रहे हैं। इसी कड़ी में बाराहाट प्रखंड के नारायणपुर पंचायत के गौरीपुर गांव के वार्ड संख्या 3 में जरूरतमंद लोगों के बीच नारायणपुर पंचायत के पूर्व सरपंच मोहम्मद असरार उर्फ भोली एवं उनके पुत्र मोहम्मद जुल्फिकार के द्वारा खाने के लिए चावल, दाल, आटा, तेल, नमक, आलू, प्याज का वितरण किया गया। अनाज वितरण के समय लोगों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी ख्याल रखा। इस मौके पर वार्ड संख्या 3 के वार्ड पार्षद सहित कई अन्य लोग मौजूद थे।